हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट ट्रीज़ लाइक बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, हीप। ओके, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मीन्स जो बेसिक होता है बाइनरी ट्री। ओके, फिर आगे हम एक एक स्टेप करते हुए देखते जाएंगे कि और ट्रीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे। ठीक है, फर्स्टली वी विल सी बाइनरी ट्री। ओके, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्री क्या होता है। ओके, ट्री एक वो ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होता। ठीक है, कहीं से भी देख ले, कोई साइकिल नहीं आएगा। और या फिर हम कह सकते हैं ट्री वो ग्राफ होता है जहाँ पे एक नोड से दूसरी नोड जाने के लिए हमें सिर्फ एक रास्ता मिलता है। ठीक है, और ट्री में क्या होता है, एक नोड भी होती है, नोड रूट होती है। रूट सबसे ऊपर वाली या फिर कह सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो नोड होती है। ठीक है, एक हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बाइनरी ट्री। एक ये नोड हो गई, ठीक है, ये इसके चिल्ड्रन, इसके नीचे वाले जो होंगे उसके चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, ए बी सी हमने इसको नाम दे दिया है। फिर ऐसे ही ये बी के चिल्ड्रन हो गए, इसके नीचे वाले डी ई, और ये इसका चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो हम ट्री तो हमें पता लग गया क्या होता है, बट बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, बाइनरी मतलब दो। ओके, तो जिस ट्री में हर एक नोड के ज़्यादा से ज़्यादा दो, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो ट्री हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब ज़ीरो चाइल्ड भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और दो बच्चे भी हो सकते हैं उसके, ये इसके चाइल्ड है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ए जो नोड है हमारी, ये रूट नोड कहलाती है, इसके दो चिल्ड्रन है। ठीक है, बी के भी दो चिल्ड्रन है और सी के सिर्फ एक है, तो दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, दो से कम हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारा ट्री कहलाएगा बाइनरी ट्री। ओके, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है। इसके बाद आता है इसका ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब हम किस रास्ते से जाते हैं और हर एक नोड को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करते हैं, हर एक नोड को सिर्फ एक बार हम विजिट करेंगे। ठीक है, तो वो उसका कहलाता है ट्रैवर्सल। ठीक है, इस पर एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ट्रैवर्सल किया जाता है। ओके, फर्स्टली हम इसके तीन ट्रैवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर। वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एक्चुअली बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये आई थिंक आपको सारे ही मतलब यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे एज अ बाइनरी ट्री, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर। बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे के ट्रीज़ देखना चाहते हैं तो। ठीक है, इसलिए आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आगे के जो ट्रीज़ हैं वो देखने बड़े आसान हो जाएंगे। ओके, अब हम जैसे कि इसमें नाम से ही पता लग रहा है, इन, पोस्ट एंड प्री। ठीक है, ये किसके लिए, ये रूट नोड के लिए लिखा गया है। इन ऑर्डर मतलब रूट नोड बीच में आएगी। ओके, एक बात और बताना मैं भूल गई, जो इस साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो राइट चाइल्ड होता है। ठीक है, ओके, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इन मतलब रूट नोड इन मतलब बीच में आएगा, पहले लेफ्ट हम चाइल्ड ट्रेवर्स करेंगे, फिर बीच में रूट नोड, और फिर राइट चाइल्ड ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, ऐसी पोस्ट, जहाँ पोस्ट लिखा आ जाएगा, तो पोस्ट मतलब बाद में, तो रूट नोड जो है हमारा बाद में ट्रेवर्स होगा, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें लेफ्ट चाइल्ड पहले ट्रेवर्स होगा, फिर रूट नोड, फिर राइट चाइल्ड। ओके, ऐसे इसमें होगा पोस्ट ऑर्डर में, पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और फिर रूट, क्योंकि ये पोस्ट है। ठीक है, प्री में पहले आ जाएगा, पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। अच्छा,
लेफ्ट चाइल्ड हमेशा हमेशा राइट चाइल्ड से पहले होगा, ओके यही हमारा सीक्वेंस रहेगा, हमें इसके नाम से ही पता लगता है। अब ट्रेवर्स कैसे करना है ये हमें देखने वाली बात है, ओके बता तो दिया मैंने कि ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन इसको ट्रेवर्स करेंगे कैसे ये थोड़ा देखने वाली बात है, ओके अब फर्स्टली हम ले लेते हैं इन ऑर्डर, ओके इन ऑर्डर ये बहुत आसान होता है ये वाला, तो फर्स्टली हम इन ऑर्डर ले लेते हैं। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, ओके अब रूट से हम स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि रूट से हम स्टार्ट करेंगे। अब रूट है, रूट तो हम पहले लेने नहीं वाले, तो लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट में आ जाते हैं, ठीक है यहाँ पर आ गए। अब हम ये भी नहीं लेंगे, आप कहोगे कि ये लेफ्ट चाइल्ड है तो इसको ले लो, नहीं ये भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक अलग ट्री है, देख रहे हैं आप, ये एक अलग ट्री है, जैसे ये पूरा ट्री था वैसे ये एक अलग ट्री है, तो इस पे भी यही सीक्वेंस अप्लाई होगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पे रूट का काम कर रहा है, तो रूट तो हम लेने नहीं वाले, लेफ्ट लेना है, तो इसका भी लेफ्ट पे आ जाएंगे, ठीक है यहाँ पर आ गए अब हम, ठीक है। अब अगर इसके भी नीचे अगर इसके चाइल्ड होते तो हम वहाँ पे चले जाते, लेकिन यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है तो हम इसे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमने यहाँ पे लिखा डी इन ऑर्डर के लिए, ओके यहाँ पे हमने लिखा डी, ठीक है। अब आगे क्या था, रूट, इसके रूट पे चले जाएंगे अब हम, बी, अब क्या था, राइट, यहाँ पे राइट पे आ जाएंगे, ई, ओके ये तीनों हो गए, मतलब लेफ्ट पूरा हो गया इसका, लेफ्ट पूरा हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, रूट पे, ऑब्वियसली रूट लिखा हुआ है, रूट पे गए, ए है रूट, ए, ओके अब किस पे जाना है, राइट।